हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सबका स्वागत है ग्रीनस कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वीडीए के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। वीडीए क्या होता है और अगर आप वीडीए स्टैंडर्ड को लेना चाहते हो तो वो कहाँ से ले सकते हो। हाँ, वीडीए का मतलब यहाँ पे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस नहीं है, वीडीए का यहाँ पे मतलब है वरबैन डर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कि जर्मनी का एक स्टैंडर्ड है। और अगर आप किसी भी जर्मन ओईएम के साथ या जर्मन सप्लायर के साथ काम करना चाहते हो तो ये आपको वीडीए के स्टैंडर्ड को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि वीडीए एक जर्मन स्टैंडर्ड है जिसका फुल फॉर्म है वरबैन डर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये एक जर्मन एसोसिएशन है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, जिसमें जर्मनी के कुछ बहुत ही बेहतरीन ऑटोमोटिव कंपनी एज ए मेंबर है, कुछ सप्लायर्स उसके एज ए मेंबर है, और इन्होंने मिलकर ये एक वीडीए स्टैंडर्ड को बनाया है। और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये चाहते हैं अगर आपको इनके साथ काम करना है तो इस वीडीए के रिक्वायरमेंट को आपको लागू करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वीडीए की अगर हम बात करें तो वीडीए के कई सारे वॉल्यूम हैं। हमें एज ए ऑटोमोटिव सप्लायर, एज ए पर्सन, उसके कुछ रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। वीडीए के मेंबर्स की बात करें तो वीडीए के जो मेजर मेंबर्स हैं वो कार मेकर्स हैं, बीएमडब्ल्यू, फॉक्सवैगन एंड मर्सिडीज बेंज। उसके अलावा जर्मनी के बाहर कि अगर हम कस्टमर की बात करें तो उसका जो ओपेल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है। इसके अलावा कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स भी इसके मेंबर हैं जो इस स्टैंडर्ड को अपडेट करने में, इनपुट देने में सहायता करते हैं। ये ग्रुप जर्मनी के बर्लिन में एसोसिएटेड है और वहां से पूरी दुनिया में हर जगह अपने स्टैंडर्ड को डेवलप करने में, उसको ट्रेनिंग देने में, उसको इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करता है। बात करते हैं वीडीए की क्या रिक्वायरमेंट को ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को समझना बहुत जरूरी है। सो वीडीए जो चैप्टर 6 है वॉल्यूम 3, उसको ऑटोमोटिव सप्लायर्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें ही प्रोसेस से रिलेटेड कई सारी रिक्वायरमेंट्स को बताया गया है। सबसे पहले वीडीए 6 का जो वॉल्यूम 3 है वो फर्स्ट टाइम 1998 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद 2010, 2016 में रिवाइज हुआ और इसका लेटेस्ट रिवीजन जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ है जो कि अब एप्लीकेबल है। तो अगर देखा जाए तो 2016 वर्जन से अभी 2023 के वर्जन में क्या चेंजेस हैं, तो सबसे पहला चेंज ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट को भी ऐड किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आईएटीएफ के अंदर भी सॉफ्टवेयर कोई कंपनी बनाती है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसको भी अब आईएटीएफ लेने की जरूरत है, वो ऐड किया गया। इसी तरीके से वीडीए में भी सॉफ्टवेयर वर्जन को ऐड किया गया। द कंटेंट ऑफ दिस वॉल्यूम हैज बीन हार्मोनाइज्ड विद फर्दर वीडियो मेथड, नेमली एस ऑटोमोटिव स्पाइस एंड मैच्योरिटी लेवल एश्योरेंस फॉर न्यू पार्ट। उसको इसमें अपडेट किया गया है। रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू परचेजिंग एक्टिविटीज वर एडेड टू P3 एंड P4। स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्वालिफिकेशन इज एडेड। नोट्स ऑन कंडक्टिंग रिमोट ऑडिट्स वर एडेड। चैप्टर 4 ऑडिट प्रोसेस वाज डिलीटेड एज इट कंटेंट्स इन ISO 19011। तो ऑडिट जो प्रोसेस है वो 19011 में ऑलरेडी है तो इसको हटा दिया गया है। चैप्टर 8 प्रोसेस ऑडिट सर्विसेज वाज डिलीटेड फ्रॉम वीडीए वॉल्यूम 6.3। चैप्टर 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लेसन लर्न वाज आल्सो डिलीटेड। द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्ट हैंडलिंग वाज ऑमिटेड। इन सम केसेस क्वेश्चन विद स्पेशल सिग्निफिकेंस वर रीडिफाइंड। Some of the questions regarding the potential losses were relocated and a comprehensive online glossary for all video volume were established and editorial revision भी अपडेट हुआ। तो ये कुछ रिवीजन है इसमें अपडेट किए गए हैं। क्या चेंज नहीं हुआ है, क्या सेम है, वो है क्लासिफिकेशन ABC सिस्टम, वो सेम है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चनर सेम है। इवोल्यूशन मॉडल फॉर इंडिविजुअल क्वेश्चन 10, 8, 6, 4, 0 ये सेम है। इवोल्यूशन का जो मेथड है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोसेस एलिमेंट P2 टू P7 अकॉर्डिंग टू फिगर 2.1। द टर्टल मॉडल सेम है। प्रीवियस डाउनग्रेडिंग रूल्स भी सेम है। ये सारी चीजें वीडीए में सेम है। तो अब ये सवाल आता है अगर आपको वीडीए के ये स्टैंडर्ड को परचेज करना हो तो कहाँ से खरीदेंगे और इसका कॉस्ट वगैरह क्या है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग डुप्लीकेसी भी कर रहे हैं, आपको महंगे दामों में दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडीए की ये लाल किताब इसे बोलते हैं, इसके वॉल्यूम 6 पार्ट 3 एडिशन जनवरी 2023 को परचेज करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वीडीए की साइट पे जाना होगा। वहां पे जाके आप इसको एड टू कार्ट करके परचेज करते हैं, जिसका प्राइस है €65, विच इज अराउंड 5,750 रुपीज इन इंडियन रुपीज। तो मैं आपको जल्दी से अभी साइट पे ले चलता हूँ कि कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले इसको परचेज करने के लिए आपको वीडियो की साइट पे जाना है। वीडियो की साइट है vda.de, और यहाँ पे जाके आपको वीडियो की साइट पे जाने के बाद आप जब सबसे पहले आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा शॉप वीडियो शॉप क्यूएमसी। तो शॉप क्यूएमसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने शॉप क्यूएमसी पे क्लिक किया, पहले तो ये जर्मन में आएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको, तो प्लीज इंग्लिश में कर लेना इसे, ठीक है। उसके बाद शॉप क्यूएमसी के जाने के बाद आपको एप्लीकेशन पे जाना है, और एप्लीकेशन में पीडीए वीडियो वॉल्यूम्स इन इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी वीडियो के वॉल्यूम्स है सारे आ जाएंगे। आप यहाँ पे सीधे, मैं पेज नंबर 4 पे चलता हूँ क्योंकि आई थिंक 4 में आपको मिलेगा। यस, 4 में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है वीडियो वॉल्यूम 6 पार्ट 3, ये आपको परचेस करना है। एडिशन 2023 इंग्लिश में, वॉल्यूम 6 पार्ट 3। क्या है ये? प्रोसेस ऑडिट, पोटेंशियल एनालिसिस, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन, सीरीज प्रोडक्शन, 4th रिवाइज्ड एडिशन जनवरी 2023। इसको आप परचेज कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा अराउंड 6,000 रुपए में, आपके पास आ जाएगा शिपिंग और टैक्सेस मिला के, आई थिंक 6.5-7 मैक्सिमम तक में आपको ये मिल जाएगी वो, ठीक है। तो ये था आपको VDS 6.3 से जुड़ी जानकारी, जिसको परचेज करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वीडीए के आप इंटरनल ऑडिटर बन जाएं, आप वीडीए की ट्रेनिंग को ले लें, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और हमारे ऐप पे जाके आप वीडियो के पूरे कोर्स को कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो की पूरी डिटेल मिलेगी, और उसके बाद आप किसी भी सप्लायर्स को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।